बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं उलमा इकराम जो समाज चीफ गेस्ट हाउस में हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो बात हुई है उसके बारे में बता दिया है। इंशाल्लाह ताला परसों यानी हफ्ते के दिन जो हमारी वफाकी हुकूमत से भी बात हुई थी और वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं उलमा इकराम से मुलाकात करके और जैसे बाकी इदारों में एक SOP फॉलो होगी, मसाजिद के लिए भी एक SOP हम फाइनल करेंगे। और सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब को और मैंने आज सब उलमा इकराम को उसमें पूरा यकीन दिलाया कि जो भी SOP फॉलो होगी, जो भी SOP कही जाएगी उस पर हम मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराएंगे। और इसी सिलसिले में कल जुम्मा है, सिलसिले में बात हुई है कि इंशाल्लाह ताला जैसे पिछले 3 जुम्मों तक मुबारक में एक तरीक़ेकार रखा गया था, हम उम्मीद करते हैं कि मसाजिद में, और मैंने पुलिस को मैं कह भी दिया है और कह दूँगा कि मसाजिद के अंदर कोई सख्ती वगैरह ना करें, लेकिन आवाम से यही अपील है, सब लोगों से यही अपील है कि कल हम दोबारा 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज़ बंद कर देंगे, मस्जिद खुली रहेंगी, जो लोग मुतय्यन हो मस्जिद में वो नमाज़ अदा करें, बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज़ अदा करें। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ उलमा इकराम का कि उन्होंने इस जो आजमाइश की घड़ी है उसमें हुकूमत का भरपूर साथ दिया है। और ये भी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि इस आजमाइश में से हमें जल्द निजात मिले और हमें बहसीयत कौम इसमें कामयाबी हासिल।